आज हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज जो है वो काफी तेजी से अपने पैर फैलाता जा रहा है। आज इंडिया में हर 8वें 10वें व्यक्ति को डायबिटीज या डायबिटीज होने का खतरा है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि किन किन लोगों को डायबिटीज होने का खतरा है। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है जो डायबिटीज का रिस्क बढ़ाती हैं, वो है एक हमारी बढ़ती हुई उम्र और दूसरा है हेरिडिटरी या अनुवांशिक। ये हमारे हाथ में नहीं है, मगर दूसरी तरफ कई चीजें जो हम बोलते हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, वो चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा डायबिटीज का रिस्क कम हो सकता है। जैसे अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या रह चुकी है, आपको पहले कभी लकवा आया है या हार्ट अटैक हो चुका है, आपका कामकाज ऐसा है जिसमें एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और महिलाओं में जिन्हें PCOS या हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, या जिन्हें प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज रहा हो, या जिन्होंने 4 किलो से ज्यादा के बच्चे को जन्म दिया हो, ये सारे लोगों में डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है और इन्हें रेगुलरली शुगर की जांचें करवाना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए।